इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ईवीएम कई उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनने का सरल तरीका मुहैया कराती है। ईवीएम के तीन वर्जन्स होते हैं, 2006 से पहले वाला, 2006 के बाद वाला और सबसे नए वाला यानी अपग्रेडेड 2006 के बाद वाला। बाहर से तीनों एक सी दिखती हैं, लेकिन फर्क है इनके डिस्प्ले और अतिरिक्त फीचर्स में। ईवीएम के सभी वर्जन्स में दो बुनियादी हिस्से होते हैं, बैलेटिंग यूनिट या बीयू और कंट्रोल यूनिट यानी सीयू। ये सभी हिस्से खास बक्सों में पैक होकर आते हैं, जिनमें बीच में और साइड में लैच लगे होते हैं। इन्हें इस तरह खोला जाता है। मतदाता बैलेटिंग यूनिट का इस्तेमाल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। बैलेट पेपर यहाँ लगाया जाता है। बीयू और सीयू को एक केबल के जरिए लगाया जाता है, जो बीयू से स्थायी रूप से जुड़ा रहता है। एक बैलेटिंग यूनिट में नोटा समेत 16 तक उम्मीदवार हो सकते हैं। 4 बीयू को जोड़कर 64 उम्मीदवारों तक के लिए मतदान हो सकता है, इनमें नोटा शामिल है। कंट्रोल यूनिट बीयू को एक्टिवेट करती है ताकि मतदाता अपने वोट डाल सके और ये वोटों का रिकॉर्ड भी रखती है। हर मतदान से पहले प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीयू और सीयू को तैयार करना होता है। इन मशीनों के इस्तेमाल के दौरान हम इनके बारे में और जानेंगे, लेकिन फिलहाल सीयू के इन हिस्सों से परिचित कराते हैं। ये है पावर ऑन लैंप, ये है बिजी लैंप, डिस्प्ले सेक्शन, कैंडिडेट सेट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन, बैलेट सेक्शन। इसके अलावा पावर ऑन स्विच और उस सॉकेट को भी चेक करते हैं जो कंट्रोल यूनिट के नीचे बीयू को कनेक्ट करता है। फर्स्ट लेवल चेकिंग। एफएलसी बड़े हॉल्स में होती है, जहां दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखे जाते, जैसे कि मोबाइल फोन। इसके अलावा हॉल में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के लिए मेटल डिटेक्टर डोर से होकर गुजरना जरूरी है। साथ ही उन्हें DEO द्वारा जारी आधिकारिक आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाना होता है। EVMs की फर्स्ट लेवल चेकिंग यानी FLC, BEL या ECIL के ऑथराइज्ड इंजीनियर्स करते हैं और ये काम आयोग द्वारा चुनावों की घोषणा करने से पहले DEO के स्तर पर किया जाता है। ये काम सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होता है। इस प्रक्रिया की निगरानी हमेशा DEO द्वारा नामांकित एक अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए और ये अधिकारी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कम रैंक का ना हो। इस प्रक्रिया की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और CCTV के जरिए इस पर DEO को नजर रखनी चाहिए। FLC में ये सब काम किए जाते हैं। EVM की अच्छी तरह सफाई करना, इसमें टैग हटाना और पिछले रिकॉर्ड को मिटाना शामिल है। सभी कॉम्पोनेंट्स की जांच पड़ताल करना ताकि सुनिश्चित हो कि सभी कॉम्पोनेंट्स असली हैं। EVM के कामकाज की पूरी जांच करना, 16 उम्मीदवार वाले सभी स्विचों पर वोटिंग करना, मॉक पोल के परिणामों को देखना और सभी मशीनों में से पुराने आंकड़े मिटाना। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को किसी भी EVM को चुनकर उन पर मॉक पोल करने की इजाजत दी जाती है। कम से कम 5% मशीनों पर कम से कम 1000 वोट डाली जाती हैं। ऐसी 1000 वोटों का सीक्वेंशियल प्रिंटआउट लेना और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने मॉक पोल के परिणामों को दिखाना। पार्टी प्रतिनिधियों को परिणामों के प्रिंटआउट दिए जाने चाहिए। उन्हें मॉक पोल के परिणामों से संतुष्ट होना चाहिए और इस बारे में उनके हस्ताक्षर लिए जाने चाहिए। खराबी वाली EVM मशीनों को मरम्मत के लिए अलग रखा जाता है। मशीनी गड़बड़ी वाली EVM को फील्ड में ठीक किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी वाली EVM को जरूरी सुधार के लिए उनके निर्माता के पास लौटा दिया जाना चाहिए। FLC के बाद कंट्रोल यूनिट को पिंक पेपर सील से सील कर देना चाहिए, जिस पर एक यूनिक ID हो। नासिक सिक्योरिटी प्रेस द्वारा सप्लाई की गई इस ID को कंट्रोल यूनिट के कैंडिडेट सेट सेक्शन और रिजल्ट सेक्शन के बीच में लगाया जाना चाहिए। इस सील से सुनिश्चित होता है कि अब कोई भी इस पिंक पेपर सील को तोड़े बिना CU के अंदरूनी पुर्जों तक नहीं पहुंच पाएगा। मशीन निर्माता के इंजीनियरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस पिंक पेपर सील पर अपने दस्तखत करने चाहिए। EVM के यूनिक ID को और पिंक पेपर सील के सीरियल नंबर को एक रजिस्टर में लिखा जाना चाहिए और इसे राजनीतिक दलों द्वारा अटेस्ट करवाना चाहिए।
इस रजिस्टर की एक फोटोकॉपी देकर उसकी पावती ली जानी चाहिए। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी राजनीतिक दलों द्वारा, कैंडिडेट सेटिंग के वक्त मौजूद सभी उम्मीदवारों द्वारा और इसे मतगणना के समय आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। रैंडमाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रैंडमाइजेशन के दो स्तरों से गुजरती है। पहले डीईओ स्तर पर, इस दौरान ईवीएम एफएलसी के बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या सेगमेंट्स को दी जाती है और उसके बाद उस दिन आरओ किसी खास मतदान केंद्रों को ईवीएम देने के लिए उन्हें तैयार करता है। डीईओ स्तर पर रैंडमाइजेशन इस काम के लिए मुहैया कराए गए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से किया जाता है। विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम के रैंडम एलोकेशन के बाद ट्रेनिंग और अवेयरनेस का रैंडम एलोकेशन होता है। मतदान वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर एक हरा स्टिकर लगाया जाता है। ट्रेनिंग और अवेयरनेस वाली ईवीएम पर पीले स्टिकर्स लगाए जाते हैं और इन दोनों श्रेणियों की एक एसी वाइज लिस्ट तैयार करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाती है और ट्रेनिंग और अवेयरनेस वाली ईवीएम संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दी जाती है। चुनाव वाली ईवीएम आरओ को दी जाती है। वो इन्हें एक ऐसे सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रूम में रखता है जिसकी 24 घंटे निगरानी होती है और वो राजनीतिक दलों को स्ट्रॉन्ग रूम के ताले पर उनकी खुद की सील लगाने की इजाजत भी देता है। मतदान से पहले की तैयारी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ईवीएम को मतदान के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तैयार किया जाता है। आयोग ने ईवीएम में नोटा यानी इनमें से कोई नहीं विकल्प को भी शामिल किया है। इस उद्देश्य के लिए आखिरी उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह के बाद मतपत्र पर इसका सीरियल नंबर, नन ऑफ द अबव और नोटा के चिन्ह को छापा जाता है। आरओ स्तर पर ईवीएम को तैयार करने का काम एक बार फिर बड़े से हॉल में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों और आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पहले वाली ही सुरक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा। ईवीएम की जांच इस स्तर पर भी अधिकृत इंजीनियर करेंगे। यदि कोई ईवीएम खराब मिलती है तो उसे हटा दिया जाता है। एफएलसी की ही तरह इस चरण में भी एक मॉक पोल किया जाता है। इसका तरीका भी पहले जैसा ही होता है। पहले बताए गए तरीके से ही रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया के जरिए ईवीएम आवंटित की जाती है। जो मशीनें एलोकेट नहीं की जाती लेकिन चुनाव में इनका इस्तेमाल होना है उन पर लिखा जाता है रिजर्व्ड। एलोकेटेड ईवीएम को अब तय मतदान केंद्रों के लिए तैयार किया जाता है। इसमें बीयू में बैलेट पेपर लगाना शामिल है। बैलेटिंग यूनिट का अगला डोर कवर खोलने के लिए लैचेस को पीछे की तरफ दबाकर कवर उठाइए। इसके अंदर आपको स्लाइड स्विच, कैंडिडेट्स बटन और मास्किंग टैब नजर आएंगे। फ्रंट कवर के पिछले हिस्से में लगे दो लैचेस को एक साथ दबाइए। इससे बैलेट पेपर स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ बैलेट पेपर लगाते समय सुनिश्चित करें कि कागज पर मौजूद पार्टीशन लाइन बीयू के कवर पर मौजूद ग्रूव्स के साथ ठीक से मेल खा जाए। स्क्रीन को बंद करने के बाद अब एड्रेस टैग लगाएं और इसे सील कर दें। अगर एक से ज्यादा बैलेटिंग यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है तो आपको उन्हें आपस में जोड़ना होगा। अतिरिक्त बैलेटिंग यूनिट के लिए इस कनेक्टर का इस्तेमाल करें।
इसके बाद इस्तेमाल ना होने वाले कैंडिडेट बटन मास्क कर दें। अब उम्मीदवारों की संख्या के हिसाब से स्लाइड स्विच को उसकी पोजीशन में सेट करें। 1 से 16 तक क्रम संख्या वाले उम्मीदवारों के लिए BU1 में स्लाइड स्विच पोजीशन है 1। 17 से 32 तक क्रम संख्या वाले उम्मीदवारों के लिए BU1 में स्लाइड स्विच पोजीशन है 1। BU2 में ये है 2। 33 से 48 तक क्रम संख्या वाले उम्मीदवारों के लिए BU1 में स्लाइड स्विच पोजीशन है 1। BU2 में ये है 2 और BU3 में 3। 49 से 64 तक क्रम संख्या वाले उम्मीदवारों के लिए BU1 में स्लाइड स्विच पोजीशन है 1। BU2 में है 2, BU3 में है 3 और BU4 में है 4। इसके बाद बैलेटिंग यूनिट के कवर को बंद कर दीजिए और दोनों लैचेस पर एड्रेस टैग्स लगाकर यूनिट्स को सील कर दीजिए। इसके बाद BU को नासिक सिक्योरिटी प्रेस की तरफ से सप्लाइड यूनिक आईडी वाली पिंक पेपर स्लिप से सील किया जाना चाहिए। इसे 16वें उम्मीदवार के ठीक नीचे इस तरह लगाएं कि उम्मीदवारों की क्रम संख्या, नाम और चुनाव चिन्ह इसे ढक न जाएं। ये सील इसलिए लगाई जाती है ताकि कोई भी पिंक पेपर सील को तोड़े बिना BU के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँच न सके। मशीन निर्माता के इंजीनियर और उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधि इस पिंक स्लिप पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब कंट्रोल यूनिट या CU में बॉटम कंपार्टमेंट को खोलिए और BU केबल कनेक्टर लगाइए। इसमें नया पावर पैक लगाइए और नीचे लगे टॉगल स्विच का इस्तेमाल करके पावर को ऑन कीजिए। अब कैंडिडेट सेट सेक्शन को खोलकर कैंडिडेट सेट बटन को दबाइए। आपको सेट कैंडिडेट शब्द चमकते नजर आएंगे और बीप भी सुनाई देगी। अब BU पर मौजूद आखिरी कैंडिडेट नोटा नीले बटन को दबाएं। अगर नोटा सहित उम्मीदवारों की संख्या 5 होगी तो डिस्प्ले पे दिखाई देगा कैंडिडेट्स 5। अगर डिस्प्ले दिखाता है इनवैलिड तो इसका मतलब है कि मशीन में पहले का कोई डेटा बचा हुआ है। अगर ऐसा है तो क्लोज बटन दबाएं और डिस्प्ले पर पोल क्लोज्ड आने का इंतजार करें। अब रिजल्ट बटन दबाएं और एंड शब्द दिखने का इंतजार करें। अब क्लियर दबाएं और एंड शब्द दिखने का इंतजार करें। इसके बाद कैंडिडेट सेट के लिए वही पहले वाली प्रक्रिया को दोहराएं। अब CU में उम्मीदवार सेट हो चुके हैं। इसी तरह अगर डिस्प्ले पर दिखता है लिंक एरर 1, तो इसका मतलब है कि आपने BU को बिना ठीक से कनेक्ट किए कैंडिडेट सेट बटन दबा दिया है। कनेक्शन की जांच करें और कैंडिडेट सेट प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। अब वक्त है EVM को ठीक से सील करने का। इनके साथ एड्रेस टैग्स लगाए जा चुके हैं और अब इन्हें कैरिंग केस में पैक किया जाएगा ताकि EVM आगे भेजे जा सके। पोलिंग पार्टियों को रवाना करना। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ये जांच करेगा कि उसे दी गई EVM उसके मतदान केंद्र के लिए ही है। वो डिलीवरी लेने से पहले उसके सीरियल नंबरों और एड्रेस टैग की जाँच करेगा। वो ये भी देखेगा कि मशीन ठीक से चलती है या नहीं। वो CU को स्विच ऑन करेगा और ये जांच करने के लिए टोटल बटन दबाएगा कि CU
उम्मीदवारों की सही संख्या के लिए सेट है या नहीं। वो देखेगा कि बैलेट पेपर ठीक से लगा है या नहीं। वो देखेगा कि उम्मीदवार वाले बटन अनमास्क्ड और बाकी मास्क्ड हों। आरओ द्वारा लगाई गई सीयू या बीयू की सील मतदान से जुड़े कर्मचारी किसी भी समय नहीं खोलेंगे। अगर उसे मशीन में कोई गड़बड़ी लगती है तो वो उसे बदलने के लिए कहेगा। मतदान वाले दिन की तैयारियां। मतदान वाले दिन टीम के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर यूनिट्स को उनके बक्सों से निकालिए, उन्हें कनेक्ट कीजिए और सीयू को स्विच ऑन कीजिए। ये सुनिश्चित करने के लिए कि पहले से कोई वोट तो नहीं डली हुई, टोटल बटन दबाइए। कम से कम 50 वोट का मॉक पोल कीजिए। पोलिंग एजेंटों को अपने उम्मीदवारों के लिए वोट डालने और हर उम्मीदवार के लिए डाली गई वोटों की संख्या के एक रिकॉर्ड को रखने की इजाजत दी जा सकती है। इनमें नोटा भी शामिल है। ये स्टेप बहुत जरूरी है क्योंकि इससे मशीनों के सही कामकाज की पुष्टि होती है। अब क्लोज बटन दबाएं और पोलिंग एजेंटों को दिखाएं कि अब और वोट रजिस्टर नहीं हो सकती। अगर आप वोट डालने की कोशिश करेंगे तो डिस्प्ले पर इनवैलिड आ जाएगा। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी और भीतरी दरवाजों को खोलिए। अब दबाइए रिजल्ट और एजेंटों को मॉक पोल के रिजल्ट दिखाइए। उनके संतुष्ट होने के बाद ईवीएम से मॉक पोल डेटा को क्लियर कीजिए। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मॉक पोल सर्टिफिकेट भरकर इस पर पोलिंग एजेंटों के दस्तखत लेने होते हैं। मॉक पोल सर्टिफिकेट को भरने से पहले मॉक पोल के रिजल्ट को क्लियर करना ना भूलें। आरओ को मॉक पोल के कंडक्ट और स्टेटस का पता रखना चाहिए। माइक्रो ऑब्जर्वर को भी इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए और जहां कहीं भी वीडियोग्राफी होती हो वहां वीडियोग्राफी कराई जानी चाहिए। मॉक पोल डेटा को क्लियर करने के बाद निर्धारित सील्स और टैग्स का इस्तेमाल करके सीयू को सील करें ताकि ये असली मतदान के लिए तैयार हो जाएं। दोनों परिणामों के लिए उपलब्ध कराए गए फ्रेमों में ग्रीन पेपर सील डालें। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट डोर को बंद करें। इसकी ग्रीन पेपर सील बाहर निकली होनी चाहिए। रिजल्ट सेक्शन के अंदरूनी कंपार्टमेंट को सील करें। स्पेशल टैग को इस तरह लगाएं कि क्लोज बटन दिखता रहे। रिजल्ट सेक्शन डोर को बंद करते समय सुनिश्चित करें कि ग्रीन पेपर सील बाहर की ओर निकली रहे। अब रिजल्ट सेक्शन के बाहरी कंपार्टमेंट के डोर को एड्रेस टैग इस्तेमाल करके सील करें। अब आउटर पेपर स्ट्रिप सील लगाएं। स्ट्रिप सील के प्री गम्ड पोर्शन ए को ग्रीन पेपर सील के बेस के नजदीक रखें। ए को कवर करने वाले वैक्स पेपर को हटाएं और ग्रीन पेपर सील की नीचे वाली लेयर को चिपकाएं। बी को हटाएं और इसे इसकी ऊपरी लेयर पर चिपकाएं। बी को चिपकाने के बाद प्री गम्ड पोर्शन सी ऊपर रहेगा। सी के ऊपर से वैक्स पेपर को हटाएं। अब सी पर हरी पेपर सील की दोनों परतों को दबाएं। अब स्ट्रिप सील को क्लोज बटन विंडो के ठीक नीचे से बाईं ओर से कंट्रोल यूनिट के चारों ओर घुमाएं। स्ट्रिप सील के दूसरे हिस्से को अब दाईं तरफ से ऊपर लाएं। अब प्री गम्ड पोर्शन डी ऊपर है। इसके वैक्स पेपर को हटाएं और इसे हरी पेपर सील के ऊपर चिपकाएं। कंट्रोल यूनिट अब असली मतदान के लिए तैयार है। मतदान केंद्र में ईवीएम को लगाना। वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट या यूनिटों और कंट्रोल यूनिट को प्रिसाइडिंग ऑफिसर या थर्ड पोलिंग ऑफिसर की मेज पर रखें। अब सीयू की पावर को ऑन करें। अब ईवीएम मतदान के लिए तैयार है। पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर लगे स्टार्ट बटन को दबाता है ताकि मतदाता मतदान कर सके। अब बिजी लैंप जल उठता है। मतदाता पोलिंग कंपार्टमेंट में जाकर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है। वो उम्मीदवार को चुनकर बटन दबाता है।
मशीन में से तेज आवाज आती है जिससे पता चलता है कि उसकी वोट डल गई है। मतदान के दौरान अगर कोई मतदाता ईवीएम का इस्तेमाल करके वोट नहीं डाल पाता या वो भ्रमित हो जाता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर कार्डबोर्ड से बने बीयू के मॉडल का इस्तेमाल करके मतदाता को ये प्रक्रिया समझा सकता है। उसे मतदान वाले हिस्से के अंदर ये प्रक्रिया कभी नहीं समझानी चाहिए, लेकिन वो पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में समय समय पर बीयू की जांच पड़ताल जरूर करेगा जब कंपार्टमेंट के अंदर कोई मतदाता ना हो, ताकि उम्मीदवारों के नामों पर कागज या टेप लगाने जैसी शरारत ना हो सके। ईवीएम डिस्प्ले के अर्थ। आइए यहाँ देखते हैं कि सीयू के अलग अलग डिस्प्ले के क्या अर्थ होते हैं। कैंडिडेट 16 ईवीएम को 16 उम्मीदवारों के लिए सेट किया गया है, इनमें नोटा भी शामिल है। इनवैलिड यानी सीयू पर किसी बटन को गलत क्रम में दबा दिया गया है। फुल यानी ईवीएम को जितनी अधिकतम वोटों के लिए डिजाइन किया गया है वो डाली जा चुकी है, यानी 2000 वोट। बैटरी हाई, मीडियम, लो, इसका मतलब साफ है। सीरियल नंबर E00001 इस कंट्रोल यूनिट का आंतरिक सीरियल नंबर है। कंप्यूटिंग रिजल्ट यानी परिणाम की गणना की जा रही है। PST और PET यानी पोल शुरू होने का समय और पोल खत्म होने का समय। पोल रिजल्ट PDT यानी पोल की तारीख और समय। कैंडिडेट 06236 यानी उम्मीदवार नंबर 6 को 236 वोट मिली हैं। प्रिंटिंग इसका मतलब है प्रिंटिंग जारी है। क्लॉक एरर यानी RTC टाइम और तारीख के मामले में कुछ गड़बड़ है। अगर डिस्प्ले पर लिखा आता है लिंक एरर 1 तो इसका मतलब हो सकता है कि केबल ठीक से सीयू के साथ नहीं जुड़ी है या स्लाइड स्विच पोजीशन सही संख्या पर सेट नहीं है अथवा बैलेटिंग यूनिटों को सही क्रम में नहीं लगाया गया है। प्रेस्ड एरर इसका मतलब है कि बीयू में उम्मीदवार वाले किसी एक बटन को गलती से दबाया गया है या वो जाम है। एरर इसका मतलब है कि सीयू को अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतदान खत्म होने के बाद इस मतदान केंद्र में आज का मतदान खत्म हो चुका है। मतदान खत्म होने के बाद क्लोज बटन पर लगी हुई कैप को हटाएं और इसे दबाएं। कंट्रोल यूनिट पर अब बैटरी की स्थिति, नोटा सहित उम्मीदवारों की कुल संख्या, PST, PET और डाली गई कुल वोटों जैसे संदेश आएंगे। इस दौरान एक दिक्कत आ सकती है, आइए आपको उसके बारे में बताएं। मतदान खत्म होने के बाद अगर बैलेट बटन चालू हो जाता है या गलती से बैलेट बटन दब जाता है तो इन दोनों ही मामलों में सीयू में रेड बिजी लैंप जलने लगेगा। ऐसे में सीयू की पावर ऑफ करें, इससे लैंप चलना बंद हो जाएगा। अब दोबारा से पावर चालू करें और मतदान को क्लोज करें। मतदान को क्लोज करने से पहले क्लोज बटन कैप को दोबारा लगाएं, बटन कंपार्टमेंट को खोलें और पावर को बंद करें। केबल डिस्कनेक्ट कर दें। अब सीयू और बीयू को उनके कैरिंग केसेस में पैक कर दें। अब केसेस को सील करके उन पर एड्रेस टैग्स लगा दें। जहां VVPAT इस्तेमाल किया गया हो वहां VVPAT के सभी केबल डिस्कनेक्ट करें और यूनिट को उसके कैरिंग केस में सील कर दें। मतों की गिनती। मतों की गिनती के लिए रिजल्ट सेक्शन की सील को खोला जाता है, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ बाहरी ढक्कन को खोलें, अंदर वाले ढक्कन को ना खोलें। मशीन को चालू करें। अगर पावर कम होगी तो डिस्प्ले पर सिर्फ लाइनें होंगी या कुछ नहीं होगा। ऐसे में सीयू में नई बैटरी लगा दें। अब हरी पेपर सील हटाएं और रिजल्ट बटन तक पहुंचें। रिजल्ट को लिख लें। अब कंट्रोल यूनिट को बंद कर दें। क्या करें क्या ना करें,
आइए अब देखें कि क्या करें और क्या ना करें। इस्तेमाल से पहले ईवीएम के कामकाज को ध्यान से समझें। ईवीएम को गर्मी, धूल, बारिश, आग और दूसरे खतरों से बचाएं। सुनिश्चित करें कि बीयू और सीयू उस सतह पर ठीक से टिकी हों जिस पर इन्हें रखा गया है। सुनिश्चित करें कि केबल सीयू में ठीक से लगी हो। केबल सिर्फ एक दिशा में ही लग सकती है। इसके अलावा कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे लैच और हिंज पर ज्यादा दबाव ना डालें। सीलिंग के दौरान मशीनों पर पिघला हुआ मोम या लाख ना गिरने दें। जब तक कंट्रोल यूनिट काउंटिंग टेबल पर ना पहुंच जाए, स्ट्रिप सील को ना हटाएं। मतों की गिनती पूरी होने तक पावर पैक को ना हटाएं। मशीनों को आपस में जोड़ने वाली केबल को कनेक्टर के हुड पर लगी स्प्रिंग टाइप क्लिप्स को दबाए बिना ना खींचें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा सुनिश्चित करें कि ईवीएम की निगरानी होती रहे, और ना करने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर पर ना तो मशीन को खोलने की कोशिश करें और ना ही इसकी बाहरी और भीतरी सील्स के साथ कोई छेड़खानी करें। मशीन को सुधारने की कोशिश की सख्त मनाही है। आइए फिर दोहराएं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ने अपना काम कर दिया है और सभी हितधारक इससे संतुष्ट हैं। मतदान खत्म हो चुका है और परिणाम आ चुके हैं। आइए अब इसकी यात्रा के कुछ खास पहलुओं पर नजर डालें। इस यात्रा की शुरुआत होती है FLC या फर्स्ट लेवल चेकिंग से। यहीं पर EVM में मौजूद सभी पुराने आंकड़ों को हटाया जाता है। यहीं पहला रैंडमाइजेशन और एक मॉक पोल भी किया जाता है। CU पर पिंक पेपर सील लगाई जाती है ताकि सील को तोड़े बिना कोई भी CU के अंदरूनी हिस्से तक ना पहुंच सके। उम्मीदवारों का आखिरी फैसला होने के बाद EVM को एक बार फिर से RO के स्तर पर रैंडमाइज किया जाता है। यहीं से इसे मतदान केंद्रों के लिए अलोकेट किया जाता है। EVM को RO के स्तर पर मतदान केंद्रों के लिए तैयार किया जाता है, जहां मतपत्रों को मशीनों में लगाया जाता है और एक बार फिर एक और मॉक पोल करके उनके कामकाज की जांच की जाती है। BU पर पिंक पेपर सील ये सुनिश्चित करने के लिए लगाई जाती है कि बिना सील तोड़े कोई भी BU के अंदरूनी हिस्से तक ना पहुंच सके। इसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसकी टीम EVM को मतदान केंद्र तक ले जाती है, जहां वास्तविक मतदान के शुरू होने से पहले एक और मॉक पोल होता है, ताकि आखिरी बार ये जांच हो सके कि मशीनें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं। इसके बाद कंट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को बहुत ध्यान से सील किया जाता है, फिर वोटें डाली जाती हैं। मतदान खत्म होने के बाद EVM को ठीक से बंद करके अनुदेशों के अनुसार सील किया जाना चाहिए। अब EVM मतगणना केंद्र पर पहुंचती हैं, जहां सील तोड़ी जाती है और वोट गिनी जाती हैं। परिणाम घोषित कर दिए जाने के बाद EVM स्ट्रांग रूम में लौटती हैं और अगले मतदान का इंतजार करती हैं।